निशा की कार खराब हो गई है और वो शहर से काफी दूर आ चुकी है। वो मदद के लिए सब रास्ते देख चुकी है, लेकिन उसे मदद करने के लिए कोई अब तक नहीं मिला। वो बहुत ही परेशान है कि तभी वहां से एक लड़का गुजर रहा होता है। वो उसके पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सड़क के बीच में गाड़ी क्यों रोकी हुई है? तो वो उसको बताती है कि उसकी कार खराब हो गई है और उसे मदद की जरूरत है। वो उसे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। उसे यहाँ से जाने का शॉर्टकट रास्ता मालूम है, तो वो वहाँ से चले जाएंगे और फिर वहाँ से गाड़ी ठीक करवाने के लिए किसी को भेज देंगे, जिस पर निशा खुश होकर बात मान लेती है और साथ चलने को तैयार हो जाती है और फिर वो उसे उसके घर पहुंचा देता है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे घर पहुंचाकर बड़ी मेहरबानी की है, जिसके लिए मैं तुम्हें अपने घर पर एतवार वाले दिन दावत देती हूँ। तुम आना खाने पर, जिस पर वो मान जाता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो कैफे में मिलते हैं, कभी घर में, और ऐसे ही उनकी दोस्ती हो जाती है। और एक दिन वो उसे प्रपोज कर देता है। वो बहुत नर्वस होता है कि वो क्या जवाब देगी, और वो भी हाँ बोलती है और उसे कहती है, मैं भी तुम्हें काफी पसंद करती हूँ, जिस पर वो काफी खुश होता है और उसे लव लेटर देता है। एक दिन साथ वो काफी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उन्हें कोई देख रहा है। ये मारिया है और इसने उन दोनों को देख लिया है। वो बहुत गुस्से में है और बदला लेने का सोच रही है। वो सोच रही है कि इससे उसे कैसे दूर किया जाए। क्योंकि उन्हें साथ में देखकर उसे काफी जलन हो रही थी, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको अपना दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन वो उसका दोस्त बन गया था, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने सुबह उसे खत्म करने का फैसला किया। उसने एक तरकीब सोची और ये काम उसने आज रात तक मुकम्मल करना था। आधी रात को जब सब सो जाते हैं, तो वो अपने घर से निकलती है और उसके घर में पहुंच जाती है। वो खिड़की से देखती है और वो देखती है कि वो भी गहरी नींद में सो रही है। अब उसे अच्छा मौका मिल जाता है। वो मास्क पहनकर और ऐनक लगा के आई थी ताकि उसे कोई पहचान न सके। फिर वो डोर से इंटर होती है और फिर
इधर उधर देखने लगती है। फिर वो किचन की तरफ जाती है और वहां पे जाकर वो हर आग वाली चीज को जलाने की कोशिश करती है। आग को जलाने के बाद वो वहां से भाग जाती है। आग बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, हर तरफ आग फैल जाती है और थोड़ी ही देर में पूरे घर को घेर लेती है। आग बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अंदर अंदर मर जाती है। काफी लोग बाहर जमा होते हैं। जब उसे ये खबर मिलती है तो वो बहुत ज्यादा टूट जाता है और उसे बचाने के लिए आग में जाने लगता है, लेकिन उसे सब रोक लेते हैं। बहुत से लोग उसे पकड़ के रखते हैं ताकि वो अंदर ना जा पाए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अब तक नहीं बच सकी होगी और आग की वजह से मर चुकी होगी। लेकिन वो लड़का ये बात कैसे समझ सकता था? सब बहुत परेशान थे और थोड़ी ही देर में पुलिस भी आने वाली थी। उस लड़के की तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया और थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। पुलिस वहां पे पहुंचकर उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालती है और उसके ऊपर कपड़ा डाल देती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जल चुका होता है और वो मर गई होती है। सब काफ़ी दुखी होते हैं और हैरानी से आग की तरफ देख रहे होते हैं कि ये आग आखिर किसने और कैसे लगाई होगी। ये सवाल वो पुलिस से पूछ रहे थे। पुलिस उन्हें कहती है कि हम जल्द ही इस बात का पता लगा लेंगे। मारिया सोच रही होती है कि अगर पुलिस को पता चल गया कि उसने ही यहाँ पे आग लगाई थी तो उसकी खैर नहीं होगी। इस वजह से वो यहाँ पे आई थी ताकि लोगों को उस पर शक ना हो, लेकिन अब उसके लिए परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि पुलिस अपने काम में पूरा ध्यान लगाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो काफ़ी परेशान होती है और खुश भी कि वो अब नहीं रही और अब वो उसे अपना दोस्त बना सकती है। कुछ दिनों के बाद वो उसके घर में आती है और उसे कहती है, भूल जाओ, वो एक हादसा था और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ऐसे खुद को कब तक उदास रखोगे? कोई और दोस्त बना लो। और उसे झूठी तसल्लियां देने लगती है। वो उसे कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी हमसाई हूँ और तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। आज हम बाहर कैफे में कॉफ़ी पीने चलते हैं, तुम्हारा मूड थोड़ा सही हो जाएगा वहाँ पे जाकर। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बार बार कहने पर वो मान जाता है। ऐसे वो उसे अपने जाल में फंसा ही लेती है और हर रोज उसके साथ कॉफी पीने और कभी कहीं और कभी कहीं घूमा करती थी। ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो पुलिस के पास जाकर पूछता है कि आपको मालूम हुआ कि आग कैसे लगी थी?
या फिर किसी ने लगाई थी, जिस पर पुलिस कहती है कि हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला, बस हमें वहां से ड्राइंग रूम से आग शुरू हुई है और वो पूरे कमरे में फैल गई है। भट्टी जलने की वजह से आग पूरे घर में फैल गई, जिस पर वो लड़का काफी हैरान होता है और पूछता है, भट्टी की वजह से किस तरीके से आग लग सकती है? भट्टी तो अपनी जगह पे जल रही थी। मुझे तो लगता है कि आग किसी ने लगाई है, जिस पर पुलिस कहती है कि अगर आपको किसी के बारे में शक है तो हमें बताएं। जिस पर वो लड़का कहता है, मुझे शक तो नहीं है किसी पे, लेकिन अगर मुझे कुछ मालूमात मिली तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जिस पर पुलिस उसे कहती है, ठीक है, आप जा सकते हैं। एक दिन वो घर में बैठकर काफी सोचता है कि किसने आग लगाई होगी। उसे थोड़ा शक मारिया पर जाता है, क्योंकि ईशा के जाने के बाद उसके पास वही तो आई थी। क्या ईशा का मेरे साथ होना उसे अच्छा ना लगता हो, इस वजह से उसने आग लगा दी हो ताकि ईशा खत्म हो जाए और फिर मैं इसके साथ रह सकूं। वो ये काफी सोचता है और वो सच की तह तक जाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जब तक मुझे सच का पता नहीं लग जाता, मुझे मारिया पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं पता। तो वो कहता है कि आज मैं उसे उसकी ड्रिंक में सच बोलने वाली दवाई मिला कर दूंगा, फिर वो पिएगी और जो बोलेगी सच बोलेगी, और मैं जो पूछूंगा उसका जवाब सच में देगी। वो शाम को मारिया को अपने घर पर बुलाता है कि उसके घर में वो इसके साथ पार्टी करना चाहता है। मारिया हाँ कह देती है। जब वो वाइन पीती है तो उसे उस दवा का असर हो जाता है। तो फिर वो लड़का उससे पूछता है, बताओ क्या तुम निशा के घर में रात को गई थी? तो वो कहती है कि हाँ, मैं उस दिन निशा के घर पर गई थी। तो वो लड़का उससे पूछता है, अच्छा तो फिर तुम ये बताओ कि तुम वहाँ पे क्या करने गई थी? वो ड्रिंक पीती है और उसे बताती है कि उस दिन उसने वहाँ पर जाकर क्या किया था और आग कैसे लगाई थी। ये सब वो सुन लेता है और गौर से सुनने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये ऐसा कर सकती है। वो नशे की हालत में उसे सब कुछ बता डालती है कि किस तरह उसने वहां पे जाके आग लगाई थी, जिस पर वो काफी गुस्सा होता है और वो ये सब जाकर पुलिस को बताने वाला होता है। वो पुलिस को जाकर सब सच सच बता देता है, जिस पर वो मारिया को गिरफ्तार कर लेते हैं और मारिया अपना जुर्म कबूल कर लेती है, जिसके बाद मारिया को जेल में डाल दिया जाता है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है।
और दूसरी तरफ वो लड़का काफी खुश होता है कि निशा को इंसाफ मिल गया, और काफी दुखी भी, क्योंकि वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो अपनी सारी जिंदगी अब अकेले ही गुजार रहा था। वो अपनी लाइफ में अब काफी खुश था, क्योंकि वो अब अकेला नहीं था, क्योंकि उसके साथ हमेशा निशा की परछाई रहती थी, जो उसे उसके इंसाफ दिलाने पर शुक्रिया अदा करती थी, जिस पर वो काफी ज्यादा फखर महसूस करता था कि उसने किसी को इंसाफ दिलाया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक के बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन पर जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।